जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़े अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या GD लेवल जैसे अगर RPF की भी तैयारी कर रहे हैं, RPF पुलिस कॉन्स्टेबल की, रेलवे पुलिस की, या अगर कॉन्स्टेबल लेवल की मतलब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है और उनको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। गारंटी है मेरी, जो मैं बुक्स बता रहा हूँ और जो तरीका बता रहा हूँ, अगर वैसे आप पढ़ लेते हो केवल 3 महीने, उसके बाद में आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज उठा लेना कोई सी भी बुक की, गारंटी मेरी 80+ स्कोर करने की केवल 3 महीने। उसके बाद में आपकी इच्छा आप किस प्रकार से पढ़ो तो और भी ज़्यादा स्कोर करो। एक तो सबसे बड़ा टारगेट आप इस बार ये लेके चलना कि NIA SSF लेना है। अगर आप ये टारगेट लोगे तो गारंटी है मेरी कि आप SSC GD 100% फाइट कर जाओगे दोस्तों, क्योंकि टारगेट बड़ा होना चाहिए। पहले आपको 90+ का सोचना है SSC में अगर आप पेपर देने के, हाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नंबर बढ़ते हैं आप सभी को पता है, और इस बार अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो भी आपके 80+ नंबर होने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी SSC GD में। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बुक बताने वाला हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े से समय में आपको कुछ खास खास बुक बताने वाला हूँ। उन बुक से आप 100% तैयारी करिए, और गारंटी है मेरी आप केवल 3 महीने उन बुक से तैयारी कर लीजिए जो मैं बुक्स बता रहा हूँ और जिस प्रकार से बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर आप टेस्ट सीरीज उठाना और फिर मेरे को बताना कि कैसे आपके नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले GK। तो GK के लिए आप 2 या 3 बुक खरीद सकते हो, तो 3 बुक खरीदिए। सबसे पहले लूसेंट की फुल वाली जो बुक आती है, ऑप्शन वाली नहीं, जो फुल वाली जिसमें थ्योरी दी जाती है दोस्तों, उसमें से वो सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे साइंस पढ़नी है, भौतिक साइंस पढ़नी है, रसायन साइंस पढ़नी है, कंप्यूटर आप उसमें से अगर नहीं पढ़ना चाहो तो कंप्यूटर ना पढ़ें, उसके अलावा GK इतिहास आप उसमें से पढ़ सकते हो, और भूगोल उससे पढ़ सकते हो दोस्तों, जियोग्राफी। ये लूसेंट के कुछ टॉपिक है जो आपको उसमें से पढ़ने हैं, क्योंकि इनके बारे में उनकी कभी भी SSC GD के या आर्मी के जो पेपर होते हैं उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। कंप्यूटर के लिए अलग से कौन सी, कंप्यूटर की जो छोटी गाइड बुक आती है ना, जो RAC कोर्स में मिलती है, वो गाइड बुक एक बार आप छोटी सी है आपके पास में समय एक बार पूरी की पूरी इसको पढ़ दीजिए, छोटी सी आती है वो 30-40 पेज की, तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि उसमें से आते हैं क्वेश्चन, वो छोटी सी बुक है उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बुक है वो। उसके अलावा आप एक वस्तुनिष्ठ बुक खरीद लीजिए, कोई भी वस्तुनिष्ठ बुक यानी जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो, तो जिस टॉपिक को पहले आप लूसेंट में पढ़ रहे हो उसी टॉपिक को बाद में उसमें हल करना है, ताकि इससे क्या होगा आपका पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ कितना याद। सुबह अगर आप पढ़े हो शाम को उसे हल करोगे आपका रिपीटेशन हो जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो ये चाहो तो दोनों बुक लूसेंट की ले सकते हो, टॉपिक वाइज भी और वस्तुनिष्ठ जिसमें ऑप्शन हो, ये भी आप दोनों लूसेंट की ले सकते हो। इसके अलावा सार संग्रह बुक आती है, या कोई भी छोटी बुक आती है जो GK की मतलब स्मॉल बुक आती है, एक क्विक बुक, वो भी ज़रूर खरीदें। उससे क्या होगा कि आपको उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और SSC GD के अधिकतर पेपरों में केवल ऊपर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी आपकी एक रिवीजन के तौर पे उसको लेना, ताकि वो अच्छी बुक रहती है, उसमें से आप ज़्यादा टाइम उसमें ना देना, लेकिन हाँ उसमें से क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चलेगा ऊपर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये 3 बुक आप लेके तैयारी करिए GK की दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए मैंने पहले बताया था कि आप रामनिवास माथुरिया की बुक आती है मैथ की, वो ले सकते हो, RS अग्रवाल की ले सकते हो, और राकेश यादव की जो मैथ की बुक है नोट्स की वो ले सकते हो दोस्तों। इनमें से अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप RS अग्रवाल की बुक ना खरीदना, आप रामनिवास माथुरिया की बुक खरीदना या राकेश यादव की बुक खरीदना दोस्तों, अगर आप पहली बार तैयारी करो। और जो बंदा पिछली बार से तैयारी करता आ रहा है वो RS अग्रवाल की बुक भी जरूर खरीद ले साथ में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा। साथ ही अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो दोस्तों जरूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस टॉपिक आपका नहीं आता आप ज़रूर ऑनलाइन क्लास लीजिए उसकी, और अच्छे से सीखिए उसको। अभी समय है कोचिंग करने का, लास्ट समय में कोचिंग करने की नहीं सोचना दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं कि जब 3 महीने बचेंगे तब कोचिंग करेंगे, बहुत ही गलत बोलते हैं वो। ये समय कोचिंग करने का, उस समय सेल्फ स्टडी करने का है, वही बंदा स्कोर करता है। तो मैथ के लिए 3 बुक, रीजनिंग के लिए मैंने पहले भी बताई है, जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले लीजिए। उसके अलावा एक जो कर्म वाइज जो बुक आती है जिसमें हर एक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो, मतलब ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन हो प्रैक्टिस सेट के रूप में, वो जरूर ले लीजिए। साथ में ओल्ड पेपर ले लीजिए रीजनिंग के, जितने भी SSC GD का जो ओल्ड पेपर आता है उसमें रीजनिंग और मैथ के ओल्ड पेपर आते हैं, वो वाली बुक खरीद लीजिए, या ओल्ड पेपर की आप एक कंबाइंड बुक खरीद लीजिए जिसमें सभी ओल्ड पेपर हो, वो भी साथ में आपको हल करते रहना है इसी साथ में, ताकि आपको पता चलेगा किस प्रकार से पेपर आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। तो ये चीज़ें आपको लेनी। इसके अलावा GK हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, अब अच्छा हिंदी। हिंदी के लिए दोस्तों
आप कोई सी भी आपको जो अच्छी बुक लगती है वो, क्योंकि पर्टिकुलर हिंदी के लिए मैं कोई बुक नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने किसी बुक से स्पेशली तैयारी नहीं की हिंदी की, ऐसे ही मतलब क्लासरूम में या ऑनलाइन क्लास लेके, मैं तो क्लासरूम में ही किया हूँ और उन्हीं नोट्सों में से मतलब अच्छे क्वेश्चन पढ़े थे। और लेकिन आप फिर भी अगर आप कोई बुक लेते हो हिंदी की तो बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन कोई भी अच्छी सी बुक लीजिए गाइड, आपको जो हिंदी के टीचर कहीं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं तो उनसे ज़रूर आप एक बार सजेस्ट कर लीजिए कि वो कौन सी बुक के बारे में बोल रहे हैं, और वो बुक ज़रूर आप परचेज़ करिए। दोस्तों इन बुक से आप तैयारी करिए जो मैंने बताई है इस मैटर को। अब आपको तैयारी कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी कोचिंग करने की इच्छा है, तो अभी आपका कोचिंग करने का समय है दोस्तों। आप चाहे कहीं पर भी कोचिंग करो, ऑफलाइन ऑनलाइन वो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ज़रूर करो अभी, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट के 3 महीने 2 महीने बचेगा उस समय आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उस समय कोचिंग के चक्कर में आपको एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए दोस्तों, न्यूज़पेपर का जीके ही आपका मान के चलिए 10 नंबर का जीके कवर कर देता है इन पेपरों में। तो न्यूज़पेपर अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है तो डाल लीजिए, नहीं तो साप्ताहिक जो करंट जीके की बुक आती है उसको आराम से अच्छे से पढ़िए, तसल्ली से। एक जीके पढ़ते समय कभी भी पेज को पलटने में ना रहिए कि इतने पेज पढ़ लिए इतने पेज पढ़ लिए, नहीं, जब तक दिल कर रहा है तब तक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मतलब अगर आपका दिल 5 मिनट पढ़ने को कर रहा है तो 5 मिनट पढ़िए, पूरे दिन मत पढ़िए, लेकिन जब दिल करे तभी पढ़िए, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पेज पलटते रहोगे, सुबह का भूला शाम को, शाम को भूला का सुबह का, आपको पता नहीं चलेगा कौन राउंड कौन राम, तो कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई से। जीके को पढ़ते समय सबसे अच्छा टाइम आपका ये होता है कि जिस समय आपका दिल करे सबसे अच्छा पढ़ने का, उस समय आप जीके को पढ़ सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा याद रहेगा। और अच्छे से पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें जीके को, कि आज मेरे को ये टॉपिक लेना है, आज ये टॉपिक। लेकिन हाँ, इस बात पे विशेष ध्यान रखना, 90% लोग ये करते हैं, पेज देखते हैं कि आज मैंने 4 पेज। दोस्तों हर रोज़ एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियाँ हैं, 5ों एक जैसी नहीं है, इसलिए कभी 3 पेज पढ़ने का दिल करेगा, कभी 5 पेज पढ़ने का दिल करेगा, कभी 10 पेज और कभी 1 पेज। तो इस पर ना तो दिमाग में लोड लेके आज मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, आज मूड नहीं है तो नहीं है, लेकिन कम से कम आपको दिन में 5-6 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसको अच्छे से करनी है। दूसरी, मैथ की तैयारी करते समय मैं पहले ही बताऊँ, मैथ को तैयार करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन आप जैसे बुक से कर रहे हो, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, उसको एक बार बुक से देख के कर लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन अपने दिमाग से वैसा बनाना है और उसको हल करना है। अपने दिमाग से बनाया हुआ क्वेश्चन तो आप हल कर ही सकते हो, क्योंकि उसमें तो आंकड़े आपके, गारंटी है मेरी वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। उस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आए आप कर दोगे चुटकियों में, आप वो ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। उससे होता क्या कि आपका बनाई हुई चीज़ आपको याद रहेगी, बुक वाली याद रहे ना रहे। तो जब मैथ को पढ़ते हो तो इस प्रकार से पढ़िए, इस प्रकार से मिलाइए कि जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, आपको बार बार बुक में देखना पड़ रहा है, उस प्रकार के 1 या 2 क्वेश्चन खुद से बनाइए, 3 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन बनाए, तो वो कभी आप भूलोगे नहीं। इस प्रकार से मैथ को पढ़ना। रीजनिंग के लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग उतनी अच्छी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैक्सिमम रिजल्ट है रीजनिंग का। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप सीखते जाओगे, पहले दिन आपको आएगी नहीं, 10 दिन बाद में बहुत अच्छी आ जाएगी, फिर 20 दिन बाद में और अच्छी, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका दिमाग घोड़े की तरह से टक 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 दौड़ने लग जाएगा रीजनिंग में। हिंदी की तो तैयारी अगर आप अभी कम ही कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को आप अच्छे से लेके चलिए दोस्तों, चाहे RPF पुलिस की कर रहे हो या रेलवे पुलिस की कर रहे हो या SSC GD की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक सही है, इनसे तैयारी करिए और बिल्कुल ऐसे तैयारी करिए जैसे मैंने बताइए, फिर गारंटी है मेरी आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देख लेना 3 महीने बाद में आप ऐसे 80+ क्वेश्चन करोगे उसमें। जय हिंद, जय भारत।